हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं फिर आप लोगों के कमेंट्स पर लेकर आई हूँ पारिभाषिक शब्दावली पार्ट टू RO AR मेंस के लिए, और एज वेल एज MPPSC मेंस में भी ये हिंदी के पोर्शन में आता है पारिभाषिक शब्दावली। तो हिंदी के लिए मैं यहाँ आपको तैयारी करवाऊँगी, इसके साथ साथ SC का भी, जो भी उसका बिगनिंग होती है, मिडिल पार्ट होता है या फिर कंक्लूजन होता है, उसको कैसे लिखते हैं, किस वे में आप लिखें तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए या फिर पैराग्राफ में, ये सब के बारे में डिस्कशन में जल्द ही कुछ वीडियोस लेकर आऊँगी। मॉडल ऐसे आपको दिखाऊँगी तो उसमें आप देख सकते हैं, और हिंदी का ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, इस सब पर एक आध वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपके सामने लेकर आऊंगी। साथ के साथ प्री और मेंस की सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊं। तो चलिए पहला पार्ट इसका देखना मत भूलिएगा। पहला पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर डायरेक्ट जाके भी आप ये पार्ट देख सकते हैं। RO AR मेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम करते हैं आज के लिए हिंदी टू इंग्लिश पारिभाषिक शब्दावली। तो आज का पहला शब्द है कैडर। कैडर माने संवर्ग। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार एग्जाम में MP में भी और RO AR में आ चुका है कैडर। सेंसस जनगणना। कैबिनेट मंत्रिमंडल। कॉन्फिडेंशियल गोपनीय। कार्टेज मालभाड़ा। कमेंट टीका या टिप्पणी। कंसेंट सम्मति। कैंपस परिसर। ये जितने भी वर्ड मैं बता रही हूँ एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलेटर संगणक। कैलकुलेटर को हिंदी में बहुत कम लोगों को पता होगा, संगणक कहते हैं। कस्टम्स सीमा शुल्क। काउंटर पटल। कस्टडी अभिरक्षा। कैपिटल सेंटेंस मृत्युदंड। चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश। कैंपेन अभियान। क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता। चार्जशीट आरोप पत्र। चीफ इंजीनियर मुख्य अभियंता। कन्वेंशन रूढ़ी। कन्वीन संयोजन। कॉम्पिटेंट सक्षम। और जितने भी वर्ड हैं इनकी स्पेलिंग याद करना मत भूलिएगा, अगर किसी की स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्पेलिंग मस्ट होती है क्योंकि हिंदी से इंग्लिश भी ट्रांसलेट करना होता है, तो अगर आप अपोजिट कर देंगे तो वो वही चीज़ हो जाएगी, डबल मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रोवर्सी विवाद। डिमोलिश नष्ट करना। डिफेंडर प्रतिरक्षक। डिटेंशन अवरोधक। डिसोल्यूशन विघटन। डिवीज़न मंडल। डिटो यथोपरि। डिसेंट विमित। ड्यूली यथाविधि। डीड अनुबंध पत्र। डायरेक्टरी निर्देशिका। डुप्लीकेट अनुलिपि। डिपोनेंट अभिसाक्षी। डाटा आंकड़े। ड्यूटी कर्तव्य या शुल्क भी कहते हैं इसे, दोनों में से ऑब्लिक करके कोई भी लिख सकते हैं आप, दोनों लिखिएगा ऑब्लिक बीच में डाल दीजिएगा स्लैश का साइन, ये ऐसे। डिसमिस निरस्त। डिफेक्टो वस्तुतः। डिप्राइव्ड वंचित। डिसओबिडियंस अवज्ञा। इविक्शन बेदखली। एग्जीक्यूटिव अधिशासी। एस्टिमेट प्राकलन। एंडोर्समेंट प्रस्थांकन। एम्बेजलमेंट गबन। एलिमिनेशन निष्कासन। अर्नड लीव अर्जित। इशू निर्गम। इंटेग्रिटी सत्यनिष्ठा। इन टोटो समग्रतः। इनवॉइस बीजक। इंट्रिम अंतरिम। इनफोर्स लागू। इंटेरोगेशन प्रति प्रश्न। इरिलेवेंट असंबंध। आइसोलेशन पृथककरण। इनवैलिड अविधि मान्य। जजमेंट निर्णय। जुडिशियल न्यायिक। जस्टिफाई उचित सिद्ध करना। जॉइंट ड्यूटी कार्यभार ग्रहण करना।
जजमेंट इन अपील, अपील का निर्णय, जज न्यायाधीश। तो आज यही ख़त्म होते हैं हमारे हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी जो कि पारिभाषिक शब्दावली थी, ये पार्ट टू था। अब जल्द ही मैं पार्ट थ्री भी लेकर आऊँगी और जल्द से जल्द ये कंप्लीट करूँगी। इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट ना करते, बस 3-4 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट करके आगे का पोर्शन शुरू करेंगे और साथ के साथ मेंस GS1 और GS4 भी फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।